आज की क्लास में हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जो ये वाला हिस्सा था हमारा, उसको हम आज कवर करेंगे, जिसमें हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता भी है, फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के नाम से आता है, तो इसको हम देखते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम एक पैराग्राफ का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। हमको पता है एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिससे कई सारे पैराग्राफ जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट अलाइन करता हूँ और इस फॉर्मूला को अप्लाई करूँगा, तो कई सारे पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए आ गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है, कई सारे पैराग्राफ्स आ गए हैं मेरे पास। अब हम इन पे फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हमको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होता है जिस पैराग्राफ पे हमें फॉर्मेटिंग देनी होती है। तो मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है और मैं पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके सबसे पहले तो जस्टिफाई कर देता हूँ। देखिए, जस्टिफाई कर दिया है मैंने और ऊपर वाले को यहाँ पर सेंटर कर दिया है, तो ये दोनों साइड से बराबर हो गया है, जस्टिफाई है। अब मैं जानबूझ के बीच वाला एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ के बीच का पैराग्राफ इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि उस पैराग्राफ में अगर कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे तो ऊपर और नीचे का जो इफेक्ट है वो आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने बीच का पैराग्राफ जानबूझ के सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सेंटर में ऊपर भी कुछ पैराग्राफ है और नीचे भी कुछ पैराग्राफ है। चलिए, बीच के पैराग्राफ में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए पेज लेआउट में जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है हमको यहाँ पर वो है इंडेंटेशन और स्पेसिंग। ये दो चीज़ें हमको देखना रहता है। समझते हैं इंडेंटेशन और स्पेसिंग क्या होती है। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है गैप। अगर मैं लेफ्ट इंडेंटेशन दूंगा तो लेफ्ट से गैप मिलेगा। तो देखिए, अभी फिलहाल डिफॉल्ट इंडेंटेशन जो है लेफ्ट और राइट दोनों ज़ीरो है, तो मैं इसको बढ़ाता हूँ। देखिए, लेफ्ट इंडेंटेशन बढ़ाऊंगा तो यहाँ से ऐसा गैप मिलने लगेगा मुझे। देखिए, जितना मैंने बढ़ाते जा रहा हूँ लेफ्ट से वो गैप को कर रहा है, और फिर इसको वापस ले आता हूँ, मैं ज़ीरो करता हूँ। राइट से बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, राइट से गैप मिलेगा, मतलब ये पैराग्राफ का जो इतना एरिया है उसमें गैप मिल जाएगा मुझे। देखिए, गैप बढ़ते जा रहा है, तो ये पैराग्राफ को ऐसा छोटा कर सकते हैं इंडेंटेशन के द्वारा। तो फिर से मैं इसको बराबर कर लेता हूँ। अब अगर मैं फर्स्ट लाइन पे रखता हूँ और इंडेंटेशन ऐसे बढ़ा रहा हूँ, देखिए, तो भी ये पैराग्राफ पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होता है। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट था इंडेंटेशन, जो दो टाइप का होता है, लेफ्ट इंडेंटेशन और राइट इंडेंटेशन, जो आपको इंडेंट या स्पेस या गैप देता है यहाँ पर। दूसरा है स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर, इसीलिए मैंने बीच वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया था। ये पैराग्राफ के बिफोर, ये वाली जो स्पेसिंग है, टैब वाली जो लाइन है और यू वाली जो लाइन है, इनके बीच की जो स्पेसिंग है ये बिफोर स्पेसिंग में कहलाएगा, बिफोर स्पेसिंग कहलाएगा, और ये आफ्टर स्पेसिंग कहलाएगा। तो बिफोर स्पेसिंग को अगर मैं बढ़ाऊँ तो आप देख पा रहे हैं कि इनके इन दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसके बिफोर का जो स्पेस है वो ये दिख रहा है। क्लियर है? और आफ्टर का जो स्पेस है वो बढ़ाता हूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये वाला इस पैराग्राफ के बाद का स्पेस बढ़ेगा। तो ऐसे करके आप दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इसको पैराग्राफ स्पेस, पैराग्राफ की स्पेसिंग कहते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो दो टाइप की होती है, बिफोर और आफ्टर। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ का जो स्पेस है बाई डिफॉल्ट ज़ीरो था, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग मैंने यहाँ पर दे दी है। क्लियर? तो आपने ये समझा इंडेंटेशन क्या होता है। लेफ्ट इंडेंटेशन दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट से गैप और राइट से गैप मिलता है। स्पेसिंग भी दो टाइप की होती है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में ऊपर की चीज़ों में स्पेस मिलता है और आफ्टर में नीचे के इसमें स्पेस मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पैराग्राफ में हम यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन होता है जिसको हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विंडो डिस्प्ले होता है। क्लियर है? ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विंडो है और ये डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम समझ सकते हैं।
इसमें देखेंगे तो सबसे पहला है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो दिख रहा है वो चार टाइप का है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ये अलाइनमेंट्स आपको होम टैब में भी दिखाई देंगे। देख, आप देख पा रहे हो कि होम टैब में यहाँ पे चार टाइप के अलाइनमेंट्स हैं और आपको यहाँ पर अलाइनमेंट दिख रहे हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। क्लियर है? तो मैं अगर लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूँ तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा इस तरीके से, लेफ्ट में बराबर रहेगा और राइट में बराबर नहीं रहेगा। राइट अलाइनमेंट करने पर राइट में, सेम वही चीज़ है ये। तो अलाइनमेंट वाला जो पार्ट है हम पहले भी कर चुके हैं। अलाइनमेंट के बाद आगे आते हैं हम आउटलाइन या बॉडी टेक्स्ट या लेवल वाइज हम इसे बना सकते हैं। इसको फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। इंडेंटेशन भी हमने देखा कि लेफ्ट इंडेंटेशन और राइट इंडेंटेशन, ये सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर देखा था अभी ये वाले में। आप देख रहे हैं कि होम के अंदर भी पैराग्राफ के कुछ ऑप्शंस हैं, इसके अंदर भी पैराग्राफ के जो ऑप्शंस हैं वो दिख रहे हैं। तो इंडेंटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने वो चीज़ पहले भी देख रखी है इंडेंटेशन के बारे में। आगे आते हैं, ये स्पेशल वाला जो हिस्सा है वो हम देखते हैं। मैंने किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन देना चाहता हूँ, पहली लाइन में। तो पहली लाइन में अगर इंडेंटेशन देना है तो मुझे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना होगा। तो पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो इस तरीके से दबी हुई आएगी या गैप दे करके आएगी। क्लियर है? ऐसे ही मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसमें फर्स्ट लाइन कर दिया। देखेंगे पहली लाइन जो है पैराग्राफ की वो दबी हुई आती है। दूसरा एक और ऑप्शन है जो जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग। हैंगिंग में फर्स्ट लाइन बाहर रहती है, बाकी सब लाइन अंदर रहती है पैराग्राफ की। जस्ट उल्टा होता है पैराग्राफ का, ये फर्स्ट लाइन और हैंगिंग जस्ट एक दूसरे के उल्टा हो, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये वाला फॉर्मेट जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये वाला फॉर्मेट कम यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अब हम आते हैं सबसे मेन जो फीचर है ये वाला, जिसको बोलते हैं स्पेसिंग। तो स्पेसिंग पैराग्राफ के पहले और बाद वाली जो है वो हमने देख रखी है, लेकिन लाइन के बीच की स्पेसिंग, इन दो लाइन के बीच की स्पेसिंग अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 2.5 कर दिया। अब इन दो लाइन के बीच की स्पेसिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इनको लाइन स्पेसिंग भी कहा जाता है। जैसे मैं कम कर दिया हूँ, 0.5 कर दिया मैंने, तो इन दो लाइन के बीच की स्पेसिंग जो है वो काफ़ी कम हो गई है। क्लियर है? तो ऐसा लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है वो भी आप कम कर सकते हो। तो हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो ऑप्शंस देखे अभी वो थे हमारे ये सारे ऑप्शंस हमने अभी देखे हैं, जिसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें हमने अलाइनमेंट्स के बारे में देखा, इंडेंटेशन के बारे में देखा, एक स्पेशल इंडेंटेशन है जो सिर्फ फर्स्ट लाइन पे लगता है, स्पेसिंग के बारे में देखा, पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग मतलब दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस क्रिएट होता है, और लाइन स्पेसिंग में दो लाइन के बीच का स्पेस क्रिएट होता है। क्लियर है? और यहाँ पर लाइन और पेज ब्रेक के बारे में कुछ डिटेल दी हुई है, जो कि हाइफन क्रिएट करना और लाइन ब्रेक करना आदि के बारे में। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको इंडेंटेशन और स्पेसिंग के बारे में ही बताना होता है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसके अंदर फिलहाल पेज लेआउट में इंडेंटेशन और स्पेसिंग आएगी, और इंडेंटेशन में एक स्पेशल इंडेंटेशन होता है जिसको फर्स्ट लाइन पे अप्लाई किया जाता है। स्पेसिंग जो है पैराग्राफ की स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों टाइप की स्पेसिंग होती है। साथ ही साथ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये सारे ऑप्शंस भी आते हैं, बुलेट्स, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ के अंदर ये बुलेट्स, नंबरिंग, ये इंडेंटेशन ही है, और ये आपका अलाइनमेंट है, और ये लाइन स्पेसिंग है जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो ये सारे ऑप्शंस आपको लिखने होंगे एग्ज़ाम में अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नाम से क्वेश्चन आता है। इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग।